पिपरवार क्षेत्र ने भी इस वर्ष वित्तीय वर्ष में लक्ष से अधिक कोयले का उत्पादन किया है। महाप्रबंधक ने इसका श्रेय यहाँ के कामगारों, विस्थापितों और श्रमिक प्रतिनिधियों को दिया है। यहाँ हमेशा पिपरवार क्षेत्र में अपने टारगेट से ज्यादा अचीवमेंट किया है और इसी तरीका से हर साल की भांति इस बार भी पिपरवार क्षेत्र ने अपनी गरिमा को बरकरार रखा है, गौरव को बरकरार रखा है और 14.37 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। इसके लिए मैं अपने पूरे क्षेत्र के जनता को, यहाँ के विस्थापित को, यहाँ के हमारे सहकर्मी मजदूर भाइयों को, हमारे श्रमिक संगठन के नेतागण को, हम अपने अधिकारियों को और सबसे बड़ी बात है इसमें हम अपने मुख्यालय के हमारे माननीय सीएमडी साहब और निर्देशक गण सबों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और उनके जो मदद किए हैं सबों ने उसके लिए मैं अपने तरफ से आभार प्रकट करता हूं। पिपरवार क्षेत्र ने ऊंचाइयों को छुआ है और आने वाले वित्तीय वर्ष में किस तरह का कोयला उत्पादन के लक्ष्य को लेकर आगे कार्य करेगी, इस मामले में क्या कार्य योजना है? अभी पिपरवार क्षेत्र एक बहुत चैलेंजिंग क्षेत्र है क्योंकि पिपरवार क्षेत्र में शुरू से ही जमीन की एक समस्या रही है। यहाँ के विस्थापितों के साथ मिलकर, यहाँ के जो स्थानीय भाई बंधु हैं उनके साथ मिलकर अभी हम लोगों को आगे की जमीन लेना है, जिसमें कि हम ग्रामीणों का मदद लेंगे और ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास पर भी जोर लगाएंगे और साथ ही साथ क्योंकि हमको अशोका वेस्ट अगले एक डेढ़ साल में चालू करना है जो कि 20 मिलियन टन पर ईयर का प्रोडक्शन का कैपेसिटी का चालू होने जा रहा है और पिपरवार अंडरग्राउंड भी चालू होने जा रहा है जो कि लगभग 0.86 मिलियन का है, 8,60,000 टन पर ईयर का। ये दोनों प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए जितनी संभव होगी उतना हम लोग प्रयास करके जल्दी से जल्दी इन दोनों को चालू करेंगे ताकि पिपरवार क्षेत्र की गरिमा और गौरव बरकरार रहे। इस काम ये जो उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है इसका श्रेय मजदूरों को भी जाता है, मजदूरों के हक उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए मजदूर तो हम लोग सब कोई हैं और हमारे मजदूर तो हमारे घर के परिवार के सदस्य जैसा है और उनके ही मेहनत और अथक प्रयास से आज हम लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। आज ही सुबह मैं अपने सभी मजदूर सहकर्मी बांधियों के साथ बैठकर मीटिंग किया और उन लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाइयां संदेश दिया और साथ साथ आगे के लिए शुभकामनाएं दी। यदि वो मजबूती हमारे हाथ को मजबूत करने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ रहता है, इसलिए उनके लिए मैं वेलफेयर का काम जितना हो सकता है वो पूरा करूंगा ताकि वो सुखी संपन्न रहेंगे तो हमारा परिवार सुखी संपन्न रहेगा और हमारा पिपरवार क्षेत्र का नाम रोशन होता रहेगा।